Hello viewers, today I am going to tell you about the smart codes of phone to see if you are being tagged. With help of these smart codes, you can find out how your phone is in present situation. और जल्दी करें, आप इस कोड से अपने फोन को चेक करें कि कहीं हैक तो नहीं है. Security is a constant concern in today's world, when technology can easily work with against our safety. There are ways to tell whether your smartphone has been hacked or not. If any activity on your phone seems suspicious, run a few quick checks to make sure that your phone security is on. The up and up. Let's start from beginning. Know the sign and signal. ये जानिए कि कब आपका फोन हैक हुआ है कि नहीं. मेक योर सेल्फ अवेयर ऑफ कॉमन साइन दैट योर फोन इज बीइंग मॉनिटर्ड. नोइंग ऑल दीज कोड डजंट हेल्प इफ यू डोंट नो व्हाट एबनॉर्मल एक्टिविटी लुक्स लाइक एंड देयरफॉर डोंट नो व्हेन और हाउ टू यूज दैट. वार्निंग साइन इंक्लूड्स अननोन एप्स आपके में इंस्टॉल हो जाएगा, स्ट्रेंज टेक्स्ट मैसेज आने लगेंगे, इंक्रीज डेटा और एसएमएस यूज आने लगेगा. आपका डेटा ज़्यादा यूज होगा, एसएमएस आपने करिए या ना करिए आपका एसएमएस आ जाएगा. पॉपअप डिस्पाइट हैविंग एन एड ब्लॉकर, स्ट्रेंज पॉपअप में अपीयर अटेम्प्टिंग टू फिश इंफॉर्मेशन इफ मालवेयर इज अफेक्टिंग योर फोन. अगर अब मालवेयर आ गया है और ढेर सारे आपके एड्स आने लगेंगे. ब्लॉक द ईमेल, आपका ईमेल ब्लॉक हो जाएगा, आप ईमेल नहीं कर पाएंगे. डेटा ब्रीचेस, आपका डेटा लीक हो जाएगा, पासवर्ड और सारी चीज़ें लीक हो जाएंगी जिससे आप फोन पे काम नहीं कर पाइएगा. दिस इजंट एन एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ पोटेंशियल साइन एंड सिग्नल्स दैट यू आर बीइंग हैक्ड. But it should give you a good idea so you can make common sense decision about what normal and what isn't. Next, what action should you take if you notice the red flag? अगर आपको ये लग रहा है कि आपका हैक हो गया है फोन, तो आप क्या करिएगा? Smartphone codes and how to use them. There are several smart codes through which you can find out whether your phone is hacked or not. Smartphone codes are built-in feature that lets you access secret information, often related to the security of your phone. Using a smartphone code couldn't be easier. Simply go to the call dialer app and dial the smartphone code exactly as it's pictured. हर फोन का स्मार्ट कोड डिफरेंट होता है, जिसको आप इंटरनेट से अपने फोन के नाम से सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ हम कुछ कोड बता रहे हैं जो मेरे फ़ोन के हिसाब से है. हो सकता है वो आपके फ़ोन पे ना चले, लेकिन कुछ कॉमन कोड्स होते हैं जिसके थ्रू आप कुछ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. वेयर टू फाइंड द सीक्रेट कोड ऑन द, अब ये कोड मिलते कहाँ हैं? ऑन द इंटरनेट यू विल बी एबल टू फाइंड मैनी वेबसाइट दैट विल ऑफर सीक्रेट कोड, बट मोस्ट ऑफ देम शो यू द फुल लिस्ट ऑफ कोड दैट आर यूजलेस. Working just with a chosen device and with a specific provider. If you would like to check more codes for your device, you then get it into our YouTube channel, a secret code playlist to locate your smartphone and enjoy personalized, especially for your device secret code. अगर आपको अपने फोन पे उसको find out करना है, तो आपको YouTube के playlist में जाके उन code को search out करना पड़ेगा. लेकिन कुछ कॉमन कोड्स होते हैं जो हम यहाँ पे आपको बता देंगे. व्हाई यू शुड यूज सीक्रेट कोड? यू शुड ट्राई टू यूज सीक्रेट कोड बिकॉज इट इज़ वेरी क्विक एंड ईजी मेथड टू गेट इनटू हिडन मोड्स दैट अलाउ यू टू गेट एक्सेस टू द बेस्ट फीचर एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्मार्टफोन. द बिग पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन बाई टाइपिंग जस्ट स्पेसिफिक कोड इज फॉर शो वर्थ इट. ये टॉप 8 सीक्रेट कोड है जिसमें 06*#06# करने से आपका फ़ोन का IMEI कोड मिल जाता है, जो आपका फ़ोन खुल जाने पे आप जब कोई भी कंप्लेन लिखाते हैं तो उसमें आपको वो IMEI नंबर मांगता है. तो आप इस नंबर को डायल करके आप अपना IMEI नंबर सेव कर लीजिए अपने कहीं
डायरी में, एंड कैलेंडर स्टोरेज बताता है। दूसरा है FCM डायग्नोस्टिक, ये फाइबर बेस्ड क्लाउड मैसेजिंग को बताता है। RLZ डिबग UI इंटरफेस रियलाइजर शो सोर्स कोड फाइल डिबग यूजर इंटरफेस टेस्टिंग नीनू, आपका नीनू जो होता है उसको ये कोड टेस्ट करेगा। चेक कॉल फॉरवर्डिंग, आपका कॉल फॉरवर्डिंग तो नहीं लगा हुआ है उसको वो चेक कर देगा। ये कॉमन है 67, इसकी जगह दो कोड और हैं 62 और 21, वो भी सब फोन पे चलते हैं, आपके फोन पे जो चलता होगा उसको चला लीजिएगा। चेक कॉल फॉरवर्डिंग को चेक करता है, कॉल फॉरवर्डिंग टाइम को #61 दिखाता है। हाइड फोन कॉलर आईडी, अपने कॉलर आईडी को हाइड करना है तो *31 #31 दबाइए, कॉलर आईडी हाइड हो जाएगा। हियर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड फॉर फाइंडिंग आउट इफ यू आर योर स्मार्टफोन हैज बीन हैक। अब हमारा अगर मान लीजिए फोन हैक हो गया है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कुछ कोड्स हैं वो हम बता रहे हैं। *#06 #06 अभी हमने आपको बताई है IMEI कोड को चेक करता है। बिफोर यू डू एनीथिंग नोइंग योर IMEI नंबर इज इम्पॉर्टेंट, सो यूज दिस कोड टू फाइंड आउट वॉट इट इज। योर IMEI नंबर इज यूनिक कोड डायरेक्टली टाइड टू योर स्पेसिफिक पीस ऑफ हार्डवेयर। इफ योर फोन इज कम्प्रोमाइज, नोइंग योर IMEI नंबर इज वाइटल फॉर filing a police report, taking legal action, not to mention finding your phone. If it is stolen, dial this code before. You need to keep your IMEI number somewhere safe, such as an encrypted note app. Second, *#62 the redirection code. If you suspect that your call and text aren't getting through, it's entirely possible that they are being intercepted somewhere down the line. Call redirections are more common than you would think. With crypto phone, user finding fake cell tower all over the United States as far back as 2014. Put this suspicious to rest by dialing the *#62. अब क्या करेगा, जब आप इसको डायल कर दीजिएगा तो जो कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई थी वो हट जाएगी। योर फोन रिटर्न्स अ कंसाइज लिस्ट ऑफ नंबर दैट आर रिसीविंग योर वॉइस कॉल, SMS मैसेज एंड डेटा एज रीडायरेक्शन। इफ यू आर लकी दैट लिस्ट इज एम्प्टी, बट इफ नॉट देन यू नो इट्स टाइम टू टेक एक्शन टू गेट योर प्राइवेसी बैक। वी विल गेट टू द हाउस सून इनफ। अब *#21 द डाइवर्जन कोड, अ कॉल डाइवर्जन इन सिमिलर टू कॉल रीडायरेक्शन बट इट हार्डर टू डिटेक्ट। व्हाइल अ रीडायरेक्शन शो अप ऑन योर फोन बिल, अ डाइवर्जन सेल्स कैंसिल द कॉल बिफोर इट रीचेज योर नंबर एंड देन प्लेस इट टू अनदर नंबर, नेवर शोइंग अप ऑन योर कॉल लॉग्स। Additionally, while redirections are often the result of fake cell tower interfering, a diversion is the result of some directory tampering with your phone itself. If you have your call diversion, then it is probably because of any angry ex-finance or a malicious stranger who borrowed your phone under the guise of making an emergency call. Luckily, you can still detect diversion by dialing *#21 just like the redirection code. This code asks your phone to return a list of information that tells you what numbers are receiving your call, message and data. अब इसमें देखिए, अगर आपका call forwarding होगा तो यहाँ पे आ जाएगा वो number जिस पे call forward हो रहा है, otherwise सारी चीजें no forwarding आ जाएगी। नॉट फॉरवर्डिंग आने का मतलब है कि आपका सिस्टम हैक नहीं है, और अगर इसको डायल करने पे यहाँ पे कोई नंबर आता है मतलब उस नंबर ने आपका फोन को हैक किया हुआ है। देन *#*19732864*#**#*,
the utility net monitor port. This one's mouthful. Utility net monitor is a packet analyzer that captures network data. Packet analyzer हमने पहले बताया packets क्या होते हैं. The information are divided into certain packets and reassemble on the target place. And it has a header which has a number. So according to this number, the packets are rearranged on other end. So in short, everything that your phone receive and send, including location data. That means you can pinpoint the geographic location of the person who is accessing your information. If they are using a mobile basic station, which can really help if you need a file, a police report when you enter a code. This one. Your phone gives you access to the main menu from which you can select UMP cell environment, write down the cell ID number that you see next, return to the main menu by ping your phone back button twice, choose MMI information, serving PLMN, write down your location area code that appears finally, go to the net monitor website and enter both your cell ID and local area code. It will give you a location where your phone are connected. अब इन दोनों को देने से क्या होगा, आपका फोन कहाँ से कनेक्ट हो रहा है पता लग जाएगा. So the hacker will caught by you. What if you have been hacked? अगर आप हैक हो जाते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए. If you have been hacked, there are a few steps you can take up. Resecure your information and protect yourself. First, if the redirection code indicates that the calls are being redirected, dial #002#, which automatically undoes all redirection commands. Second, run a full system restore on your phone, wiping it completely, but first encrypt your data so it fully protected. On most phones, these settings are under setting security. It may take a few hours, so make sure your phone is plugged in. It can lead to permanent damage if the battery drain to nothing while encrypting and wiping your phone. So be careful, don't do this with you, and go to some shop and do all these things. Third, take precaution to keep your smartphone safe from future hacks. Install a reputable antivirus app and run a scan on regular basis to detect malware and suspicious apps before they have a chance to wreak havoc on your personal information. You should be vigilant about opening links in email and text messages. A common source of phishing hacks, and never leave your phone alone. In the presence of strangers or people you don't trust, recognizing that it tricky if you aren't already aware of red flag. But educating yourself on abnormal phone behavior and learning to do your own diagnostic via smartphone code is a great way to minimize the risk in the future. Now that you are armed with this vital security knowledge, you can take smartphone security into your hand. आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी आपके हाथ में है. मैंने कुछ कोड बता दिया, उसको चेक करके आप अपने फ़ोन को हैकिंग से बचा सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ़ोन हैक हुआ है कि नहीं हुआ है. और जो कोड आपके फ़ोन पे नहीं चल रहे हैं, उसके लिए आप इंटरनेट पे अपने फ़ोन की लिस्ट को देखिए और उसके अकॉर्डिंग उस कोड को यूज़ करके अपने फ़ोन को रेक्टिफाई करिए और हैकिंग से बचिए. कॉल फॉरवर्डिंग को रोकिए और अननोन पर्सन के पास फोन को बिना समझे बूझे मत छोड़िए. सो थैंक यू व्यूअर्स, टुडे आई एम इन कंक्लूडिंग दिस टॉपिक. एंड इफ यू लाइक माय टॉपिक देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.